दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए लेके आता हूँ वो पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब, जिसमें आपको एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं रहती है। फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब, जॉइनिंग के नाम पे, काम के नाम पे या वर्क के नाम पे किसी को भी एक रुपए देने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेके आया हूँ एक और अच्छा और जो अच्छा और हेल्पफुल जॉब। तो चलिए शुरू करते हैं। हाई गाइज, दिस इज़ जी आर एन, यू आर वॉचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। सो गाइज, ये जॉब है उन स्टूडेंट के लिए, उन लड़के और लड़का लोगों के लिए जो अभी रिसेंटली कॉलेज ड्रॉप हैं या फिर कॉलेज छोड़े हैं या स्कूल छोड़ा है या किसी ने किसी कारणवश स्कूल पूरी की है या जिनकी छुट्टियाँ अभी चल रही है, वो उनके लिए है ये जॉब। और ये भी सिर्फ 3 महीने तक के लिए चलने वाला जॉब है। इसमें लड़की और लड़का दोनों रिक्वायरमेंट रहता है, मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों चाहिए रिक्वायरमेंट रहता है। टाइमिंग रहता है इसमें आके आपको 6 घंटा ड्यूटी रहता है। और सबसे ये है कि कंपनी ये जो है आपको आके हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी रहती है। इसमें 4 प्रोडक्ट रहता है, सिर्फ 4 ही प्रोडक्ट रहता है जो आपको कस्टमर को एक्सप्लेन करना रहता है। काम रहता है कि प्रमोशन का काम रहता है, प्रमोशन प्रमोट का काम रहता है। अपार्टमेंट एक्टिविटीज़ रहता है, जहाँ बड़े बड़े अपार्टमेंट रहता है ना, अपार्टमेंट बोले तो फ्लैट बिल्डिंग बड़ा बड़ा, वहाँ इनसाइड में अंदर की तरफ में गार्डन हुआ या फिर पार्किंग हुआ या गेट के पास सिक्योरिटी कैबिन के पास जगह हुआ, वहाँ पे आपको जो है एक जगह दी जाती है और एक छतरी और टेबल कंपनी की तरफ से दी जाती है, वो सेटअप लगा के वहीं पे बैठना रहता है। ऐसा वहाँ पे आपको 4 प्रोडक्ट दिया जाता कंपनी का, वो 4ों प्रोडक्ट जो है अपार्टमेंट वाले को लोगों को वो दिखाना रहता है, उसका बेनिफिट समझाना रहता है, उससे लगाने से क्या बेनिफिट होता है क्या नहीं होता है, वो क्या रेंज में मिलता है, वो प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना रहता है, कंपनी के बारे में वो समझाना रहता है, वो बताना रहता है, उसको सेल करना रहता है, बस उतना ही काम रहता है। सैलरी रहती है इसमें 16,000 रुपये, सैलरी 16,000 रुपये रहती है। प्लस इसमें इंसेंटिव भी रहता है, आप अगर एक्स्ट्रा करते हैं, टारगेट रीच करते हैं, अचीव करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है पर पीस 50 रुपीज के हिसाब से। आप जितना सेल करना चाहे कर सकते हैं और मिनिमम जो सैलरी रहती है वो रहती ही रहती है, टारगेट वैसे रहता है और सैलरी भी रहती है। और एक बात है कि इसमें जो है इंग्लिश मेंटेन रहता है, इंग्लिश जो है आप कंपलसरी आना ही होता है, क्योंकि जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है कंपनी की तरफ से वो आपको इंग्लिश में देना पड़ता है। जैसे आपका नाम हो गया, आप क्या काम करते थे या फिर पहले क्या करते थे, जॉब करते थे नहीं करते थे, आपका नेटिव पैलेस कौन सा है, आप फादर नाम पिता नाम, जो जनरल क्वेश्चन रहता है ना, वो आपको जो है इंटरव्यू लिया जाता है टेलीफोन के द्वारा। सेकेंड आपका इंटरव्यू होता है वो F2F होता है, फेस टू फेस। उसमें आपको क्लियरली बताया जाता है कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, और समझाया जाता है कि करना क्या रहता है एक्चुअल में, और वहीं पर आपको सैलरी फिक्स कर दी जाती है। अगर आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है तो हैंड टू हैंड आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, नेक्स्ट डे आपकी जो है ड्यूटी लग जाती है। इसमें मैं स्टूडेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि इंग्लिश जो है रिक्वायरमेंट रहता है, प्लस पार्ट टाइम जॉब है, 6 घंटा ड्यूटी रहता है, 10:30 से लगाकर 5 बजे तक सिर्फ 6 घंटा ड्यूटी रहता है, इसलिए इसको पार्ट टाइम भी बोलते हैं और पार्ट टाइम के हिसाब से भी बहुत सारी करते हैं और कर सकते हैं। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों रिक्वायरमेंट रहता है, ऐसा नहीं कि जो है फ्रेशर नहीं लेते हैं करके, नहीं, फ्रेशर भी लेते हैं और एक्सपीरियंस भी वाले भी लेते हैं। मेन ये कि 3 महीना चलने वाला जॉब है और स्टूडेंट जॉब इसलिए है कि अभी सबकी छुट्टियां पड़ रही हैं, हर कोई जो है बंदा स्टूडेंट जो है 18 साल से ऊपर वाला थोड़ा कुछ पैसा कमाना चाहता है तो वो ज्वाइन हो सकता है, वो कॉल कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ दूंगा, फॉर्म छोड़ दूंगा, फॉर्म को फिल करें, नंबर को कॉल करें और व्हाट्सएप भेजें, रेज्यूम भेजें अपना। एक और बात और एक और रिक्वेस्ट आपसे, एक हाथ जोड़ के विनती है कि आपको जो टाइमिंग दिया जाता है उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप कॉल करें। रहता ये है कि मॉर्निंग 6 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे तक जब आपको टाइमिंग दिया जाता है उसी टाइम में कॉल करें, लेकिन अगर आप 9 बजे 10 बजे 11 बजे कॉल करते हैं कि वो आपको रिस्पांस थोड़ा कम देते हैं। रीज़न ये रहता है कि वो फैमिली पर्सन रहते हैं, कंपनी वाले हैं,
वो घर में रहते हैं, अपने बच्चों बीवी के पास थोड़ा टाइम देते हैं, उनको भी फैमिली को भी टाइम देते हैं, तो वो डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए वो थोड़ा रिस्पॉन्स कम देते हैं। रिस्पॉन्स देते हैं लेकिन थोड़ा कम देते हैं। वहाँ पे क्या हो जाता है कि आप एक बार दो बार ट्राई करते हैं, फ़ोन करते हैं, फिर बोलते हैं सर कि जो है हम लोगों ने फ़ोन किया, आप जो है कंपनी वाला कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। अरे भैया, आपको जो टाइमिंग दिया जाता है उस टाइम में आपकी जी आपके पास 5-6 घंटा रहता है, उस समय आप फ्री होकर आराम से कीजिए। अगर बंदा अगर वाला बिजी आ रहा है तो आपको 10 मिनट वेट करके फ़ोन कीजिए। अगर वो बंदा रिस्पांस नहीं दे तो मेरा नंबर तो रहता ही रहता है, उस नंबर पे आप मैसेज भेजिए, रात के चाहे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, एवरी एंड ईच प्रत्येक बंदे का रिप्लाई देता हूँ। और वही कॉल की बात, तो कॉल का भी मैं रिप्लाई 10 बजे तक देता ही देता हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है। और सैटरडे कभी भी जो है कॉल नहीं करें, व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप के थ्रू चैट करें। मंडे से जो है आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। पिछले दो दिन से यही हो रहा है कि 2-3 बंदा कुछ ऐसा आया था आउट ऑफ स्टेशन से, तो उन्होंने क्या किया कि जो है मॉर्निंग 6 बजे है रेलवे स्टेशन पे रीच होके उन्होंने जो है 6 बजे कॉल किया था, तो किसी कारणवश 6 बजे वो बंदा फ़ोन नहीं उठा पाया कंपनी का बंदा। फिर 1 घंटा बाद छोड़ के मुझे मैसेज किया कि सर हम मजेस्टिक में है करके जो है बंदा फ़ोन नहीं, सर भैया आप उसको बंदे को आते हैं ना तो वो उससे एक बार पहले कॉल किया सर हम आ रहे हैं करके, तो वो बंदा आपका ध्यान रखेगा कि हाँ बंदे उस डेट को आने वाले हैं, तो आपका कॉल और मैसेज कर रिस्पॉन्स देगा। अब सडनली आप 5-6 बजे किसी को कॉल करेंगे तो मोस्टली हार्डली कोई उठाएगा, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। रिक्वेस्ट आपसे कि जो टाइम दिया उसी टाइम के अकॉर्डिंग कॉल करें। तो दोस्तों ये है स्टूडेंट जॉब, स्टूडेंट के लिए जॉब है, हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं स्टूडेंट ही करता है, हर कोई कर सकता है। तो जो जो बंदा इंटरेस्टेड है, मैं नीचे फॉर्म छोड़ देता हूँ, नंबर छोड़ देता हूँ, 2 नंबर छोड़ देता हूँ, एक तो अगले वाले कंपनी का, एक मेरा। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देता तो आप मुझे कॉल करें, हम रिस्पॉन्स देंगे। फॉर्म फिल करें और जॉब करें। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा जॉब के रिगार्डिंग। चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और करें चैनल को, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में। जॉबलेस कैंडिडेट को जो काफ़ी टाइम से जिसको काम नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो बंदा काम के लायक हो सके या फिर काम मिल सके उसको। बाकी मैं एक और नेक्स्ट आने वाला वीडियो दूंगा जिसमें आपको पूरा बताऊंगा कि प्रेजेंट टाइम में कौन सा वैकेंसी अभी चल रहा है। जो पिछला 2-3 मैंने वीडियो बनाया वो उसमें से कौन सा फुल हो गया और कौन सा अभी रनिंग में चल रहा है, छोटा शॉर्ट वीडियो में नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर जितना जल्दी हो सके उतना मैं दूंगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।